अब हम लोग जीके में चैप्टर नंबर मैंने आपको 5 होमवर्क दिया था, आई होप कि आपने इसे कर लिया होगा। ये होमवर्क मैंने आपको 12/6/21 को दिया था। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 6, आपके चैप्टर का नाम है, 6 चैप्टर का नाम है ग्रेट ग्रासेस। क्या है? ग्रेट ग्रासेस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर दें, आज है 18/6/21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 6 चैप्टर ग्रेट ग्रासेस। ठीक है, तो जैसे आप लोग ग्रासेस देखते हो तो हम मोस्टली क्या समझते हैं, ग्रासेस वैसे तो जो प्लांट, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो यूज़फुल हमारे लिए ना हो, सारे प्लांट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बट अगर हम ग्रासेस को देखें तो नॉर्मल वे में जो लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे वो कहेंगे ग्रास का कोई यूज़ नहीं है। बट ऐसे बहुत से ग्रासेस हैं जिनका यूज़ हम अपने फूड में करते हैं, मतलब अपने खाने के लिए करते हैं। मतलब ग्रासेस के थ्रू हमारा क्या निकलता है, फ्रूट्स, जो फूड होते हैं हमारे, अनाज होते हैं वो भी निकलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ग्रेट ग्रासेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा, जैसे आप लोग को पता है ना कि जो जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत टाइप, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रीज़, हर्ब्स, सर्ब्स होते हैं ना, 3 टाइप्स के। तो उसी तरीके से मतलब जो आपका जो ग्रास है, तो जो ग्रासेस हैं आपके, वो आपके किस में आते हैं, सर्ब्स में आते हैं। सर्ब्स कौन से प्लांट्स, जैसे जिसमें जिसकी इस जो जिनकी मजबूती क्या हो, ज़्यादा मजबूत ना हो। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सर्ब्स। क्या कहते हैं? सर्ब्स। मोस्ट ग्रासेस आर फ्लावरिंग प्लांट। जो मोस्ट ग्रासेस होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। मतलब फ्लावर आएगा तो उसमें फ्रूट भी ऑफकोर्स आएगा ही आएगा। तो मोस्ट ग्रासेस आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बहुत से ग्रासेस प्लांट ऐसे जो फ्लावरिंग होते हैं, और फ्लावरिंग में क्या होता है, हमेशा फ्लावरिंग जिसमें होता है उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा ही, और क्या पता कि वो आपके खाने के यूज़ में है या नहीं है, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही पता चलता है। वास्ट स्ट्रेचेस, वास्ट स्ट्रेचेस मतलब होता है विशाल जगह में फैला हुआ। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपके ट्रीज होते हैं या आपके प्लांट्स होते हैं वो कम स्पेस घेरते हैं, कम जगह घेरते हैं। बट जो आपके ग्रासेस होते हैं वो ऐसे नहीं कि एक हो गया बस, ऐसे नहीं होता, वो काफ़ी जगह पे क्या होते हैं, बहुत सारी जगह को घेर के घेरते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गेहूं के खेत देख लो तो आप देखते हैं ना वो कितने ज़्यादा लैंड को कवर करते हैं। तो जहाँ पे भी ग्रासेस वाले कोई भी प्लांट्स हो, मतलब कोई भी पेड़ पौधे हो, तो वो क्या करते हैं, बहुत सी जगह को घेरते हैं। ऑफ लैंड वेयर ग्रास ग्रो आर कॉल्ड ग्रास लैंड। जहाँ पे ग्रास उगते हैं, घास उगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रास लैंड। क्या कहते हैं? ग्रास लैंड। तो यहाँ पे हम जितने भी जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं वो सब क्या है, ग्रास है। और ये जो ग्रासेस हैं ये हमारे किस में यूज़ हो आती है, ये हमारे फूड में यूज़ आता है। ठीक है, इसको हम खाने पीने के यूज़ में इसको लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड नेम द ग्रासेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ ग्रासेस के पिक्चर दिए गए हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट पिक्चर है ये भी क्या है, आपका ग्रास है। क्या है? ग्रास। तो ये क्या है आपका? मेल्ट। क्या है? मेल्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मेल्ट। सेकंड है आपका, सेकंड जो आप ग्रास देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइस। ये क्या है? जो राइस है वो भी कैसे दिखाई देते हैं, ग्रासेस, मतलब एक ग्रास प्लांट है। और ये क्या है, जो आपका सेकंड पिक्चर है वो ग्रास है। थर्ड है आपका शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना है ना। और आपको पता है ग्रास की एक और क्या पहचान है, जो ग्रास होता है ना वो लॉन्ग, जैसे कि आपके जो ट्रीज़ जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं उस तरीके से आपके ग्रासेस लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते। वो जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, उसका दोबारा यूज़ नहीं है। मतलब कि ये जो ग्रास, जो आपके ग्रासेस जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं,
वो एक बार ही यूज़ में आते हैं, मतलब एक बार अगर उसमें फ्रूट या उसमें कुछ भी निकल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर केन ले लीजिए, तो एक बार हुआ ये, उसके बाद आपने उसको कट किया तो दोबारा से आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ग्रासेस ग्रासेस जो प्लांट होते हैं आप उनका एक बार यूज़ कर सकते हैं, बट ट्री है, जैसे आपने मैंगो ट्री लगाया तो आप उसमें क्या कर सकते हो, मौसम वाइज या सीज़न वाइज उसमें टाइम टू टाइम फ्रूट्स आते रहते हैं, बट जो ग्रासेस वाले प्लांट्स होते हैं उसमें टाइम टू टाइम जो फ्रूट्स होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, एक के बाद उसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ जो है, फोर्थ है आपका बार्ली। क्या है? बार्ली, ये भी क्या है आपका? ग्रास प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ मेज़र। क्या है? मेज़, ठीक है, क्या है? मेज़, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिक्स है आपका बैम्बो। क्या है? बैम्बो। अब आप ये जो ऊपर के जितने भी फाइव ग्रास प्लांट देखे हैं इसमें क्या आता है, इसमें जो भी कुछ निकलता है उसको हम किस में यूज़ करते हैं? अपने खाने के यूज़ में करते हैं, बट जो ये बैम्बो है आपका इसका यूज़ हम किस में करते हैं? बैम्बो का यूज़ हम जो हाउस बनाने में, सीढ़ियों को बनाने में, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ आपका कौन सा प्लांट है? ये है आपका वीट। क्या है? वीट। सेवेंथ आपका कौन सा ग्रास प्लांट है? ये है आपका वीट। फिर है आपका नेक्स्ट एट्थ कौन सा प्लांट है आपका? एट्थ है आपका भाइया ग्रास। क्या है? भाइया ग्रास। एंड नेक्स्ट नाइन्थ आपका कौन सा ग्रास प्लांट है? नाइन्थ है आपका ओट्स। क्या है? नाइन्थ है आपका ओट्स। तो मैंने आपको इससे पहले भी चैप्टर में बताया था कि प्लांट आपका कोई सा भी हो, सारे प्लांट आपके यूज़ के हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट्स आपको फूड दे, फ्रूट्स दे, वही आपके यूज़ में आते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्लांट, वैसे तो कोई भी प्लांट हो आपको ऑक्सीजन देता ही है ना, तो वैसे ही यूज़ में आपके आ गया। तो इस चैप्टर में हमने किसकी बात की? ग्रासेस की बात की, मतलब घास वाले प्लांट्स की बात की। आपको भी मैंने बता दिया जो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, सब्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप किस में गिनेंगे बताइए, इसको आप सब्स में गिनेंगे, ठीक है। और ग्रास की एक और मैंने आपको बताया था कि एक और पहचान होती है, जो ग्रास होता है एक बार ही यूज़ होता है, अगर इसमें फ्रूट आ गया, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप गेहूं की बात कर ले, तो गेहूं निकला आप उसे कट कर देते, अब दोबारा से उसमें गेहूं नहीं निकलेगा ना, आपको अगर दोबारा गेहूं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे दोबारा उगाना पड़ेगा, दोबारा प्लांटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो आई होप कि मैंने जो आपको चैप्टर नंबर फोर और जो आपको सिक्स समझाया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोबारा से उसे समझिए, दोबारा से पढ़िए और तब जाके इसको फिल कीजिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम अपने वर्क को ज़रूर करते रहिएगा। और कल हम नेक्स्ट क्लास में अपना जो हमारा जो एनिमल वाला जो चैप्टर होगा हम उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय।